हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट टू साइंस ऑफ क्लास सिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर यू विल राइट योर नेम एंड देन योर क्लास टीचर नेम एंड देन वी विल स्टार्ट टुडेज वर्कशीट. हेयर क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन. ये सारे आपके जो हैं पूरे वीक में जो वर्कशीट्स आई थी उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर्स गिवन है. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड वॉट आर इट्स मेन सोर्सेज. सो हेयर आई हैव रिटन द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. तो हमारा कौन सा विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को जो है मजबूत रखता है. इसके बाद इसमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, वॉट आर इट्स मेन सोर्सेज. इसके जो मेन सोर्सेज हैं कहाँ से यानी हमें विटामिन डी मिलेगा? तो इट्स मेन सोर्सेज आर मिल्क, फिश, एग, बटर, सनलाइट एटसेट्रा. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर टू इज विच विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी एंड वॉट आर इट्स मेन सोर्सेज. तो कौन सा विटामिन है जो हमारे टीथ को और गम्स को, मसूड़ों को जो है स्ट्रॉन्ग रखते हैं? सो दैट इज़ विटामिन सी. विटामिन सी की हेल्प से हमारे जो है दांत और मसूड़े जो है हेल्दी रहते हैं एंड इट्स मेन सोर्स आर विटामिन सी. आपको किस किस से मिलता है? ऑरेंज से मिल सकता है, टोमेटो, लेमन, आमला एट्सेट्रा. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच मिनरल हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड इन आवर बॉडी. कौन सा मिनरल है जो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी में ब्लड बनाने के लिए, खून बनाने के लिए, एंड वॉट आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस मिनरल? और इस मिनरल के जो है हमारे मेन सोर्सेज क्या हैं? तो आयरन जो है हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड इन आवर बॉडी. आयरन जो है हमारी हेल्प करता है. और इसके बाद इट्स मेन सोर्सेज आर, हमें जो है आयरन कहाँ कहाँ से मिल सकता है? बीट रूट से, स्पिनच पालक से, एप्पल से, कोकोनट, गुआवा एट्सेट्रा. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर फोर इज विच आर द मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. मिल्क में और ग्रीन वेजिटेबल्स में कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं एंड वॉट इट्स मेन फंक्शन, और इनका जो मेन फंक्शन है, इनका जो मेन काम है वो क्या है? तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड आयोडीन एंड आयरन आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स. सो इट्स मेन फंक्शन इज टू मेक प्रोटीन फॉर द ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बनाना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विटामिन दैट. आपको विटामिन का नाम बताना है जो कि our body prepares in the presence of sunlight. हमारी बॉडी जो है सूरज की धूप में, आपने देखा होगा सर्दियों में सब लोग बैठते हैं, तो सूरज की जो धूप है सनलाइट में बैठने से हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी जो है आपका बनता है, और ये आपकी बोन्स के लिए जो है और हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत करने में जो आपकी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज कीप्स अवर गम्स हेल्दी. हमारी गम्स को कौन हेल्दी करते हैं? हमारे मसूड़ों को, दांतों को. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा विटामिन था, विटामिन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो है पानी का क्या रोल है? द मेन रोल्स ऑफ वाटर इन आवर बॉडी आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है वाटर. सेकेंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स एंटी टिश्यूज, जो हमारी बॉडी में जो है ऑर्गन्स को जो है एंटी टिश्यूज को जो प्रोटेक्ट करता है. लुब्रिकेट्स जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है एंड हेल्प डिजॉल्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेक देम एक्सेसिबल टू आर बॉडी. नाउ आर क्वेश्चन नंबर सेवन. आर क्वेश्चन नंबर सेवन इज मिनरल विटामिन मिनरल्स. यहाँ पे दिए हैं आपके विटामिन और मिनरल्स दिए हुए हैं. इसके बाद आपके जो है यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए हैं एंड डेफिशिएंसी डिसीज दिए हुए हैं. तो आपका जो फर्स्ट था उसके अंदर आपका रिकेट्स इज गिवन. तो रिकेट्स से जो है यहाँ पे आप सबसे पहले बताएंगे किसकी कमी से रिकेट्स होता है. तो विटामिन डी की जो कमी है उससे होता है रिकेट्स. और इसके सोर्स यानी आप इसकी कमी को कहाँ कहाँ से पूरा कर सकते हैं? मिल्क, फिश, एग और सनलाइट एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो गिवन है आयरन. दिया गया है आयरन और आपको आयरन का सोर्स बताना है और बताना है कि इसकी कमी से क्या होता है. तो इसकी कमी से तो अनेमिया नाम की बीमारी होती है. अनेमिया यानी खून की कमी. आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि खून हमारे बॉडी में ब्लड कौन बनाता है? आयरन. तो आयरन की कमी से जो खून की कमी वाली जो बीमारी है उसका नाम है अनेमिया. और ये आप किससे कब पूरी कर सकते हैं अपनी कमी? बीट रूट, स्पिनच एट्सेट्रा. एंड नेक्स्ट इज आपका दिया हुआ है ऑरेंज, गुआवा एंड लेमन. ऑरेंज, गुआवा और लेमन, आपको यहाँ पे कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन सी. और विटामिन सी की कमी से आपको कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है? दैट इज कर्वीज. कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स.
फिल इन द ब्लैंक्स में आपको नेम द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, मिनरल बताना है अब आपको जो हड्डियों को दांतों को मजबूत रखे, तो दैट इज कैल्शियम. नाउ सेकेंड इज नेम टू सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए के दो सोर्सेज बताने, आप कोई भी लिख सकते हो, मिल्क और मैंगो. मिनरल फाउंड इन सी फूड, सी फूड में आपका आयोडीन, जिंक और ऐसे कई और मिनरल्स भी जो है वो मिलते हैं. टू गेट रीड ऑफ कॉन्स्टिपेशन वी शुड ईट. कॉन्स्टिपेशन जो होता है कब्ज़ की बीमारी जो होती है जिसे बोलते हैं, तो गेट रीड ऑफ यानी छुटकारा पाना. आपको कॉन्स्टिपेशन से अगर छुटकारा पाना है तो यू शुड ईट रफेज. नाउ नेक्स्ट इज मिल्क डज नॉट कंटेन. मिल्क में क्या नहीं होता भाई, हम सबको पता है मिल्क में विटामिन ए होता है, तो कौन सा विटामिन नहीं है आप कोई भी लिख सकते हो. यहाँ पर मैंने विटामिन सी मैंशन कर दिया जी, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता. नाउ प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.